दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में एक विक्टोरियन राइटर हैं जिनका नाम है मैथ्यू आर्नोल्ड। दोस्तों आप इन्हें एक क्रिटिक के रूप में भी जानते हैं। इनके महत्वपूर्ण रचनाओं का हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों यदि हम बात करें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे जरूरी चीज है किसी भी राइटर का रचना। सबसे पहले आपको राइटर्स के सभी रचनाओं का नाम याद होना चाहिए, और उसके अलावा उस वर्क्स में मतलब किस चीज पे उस रचना को लिखा गया, उसका सोर्स क्या है। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है, इतने ही चीजों को दोस्तों आप तैयार कीजिए क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। तो ये जो सेशन है दोस्तों, ये मैथ्यू आर्नोल्ड पे डेडिकेटेड है। पूरा जो भी पॉइंट मिलेगा दोस्तों आपको मैथ्यू आर्नोल्ड से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कुछ जानेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में। दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड वाज द विक्टोरियन पोएट, इतना तो सब कोई जानते हैं कि एक विक्टोरियन पोएट थे एंड लिटरेरी क्रिटिक और एक साहित्यिक आलोचक थे इन 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में। ही वाज बॉर्न ऑन क्रिसमस इविंग, वह क्रिसमस डे के दिन अर्थात उनका जन्म 24 दिसंबर 1821 को इन लेलहैम मिडिलसेक्स इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा डेट। ही वाज द इल्डेस्ट सन ऑफ द थॉमस आर्नोल्ड एंड मैरी पेनरोसो। इनके फादर का नाम थॉमस आर्नोल्ड और माँ का नाम मैरी पेनरोसो था दोस्तों, और ये इल्डेस्ट सन थे भी, याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं थॉमस आर्नोल्ड, ये हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल में, याद रखिएगा। यदि हम बात करें मैथ्यू आर्नोल्ड की एजुकेशन की, तो दोस्तों सबसे पहले ये रग्बी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे उनके पिताजी हेडमास्टर होते हैं। फिर ये जाते हैं बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड चले जाते हैं। 1851 में दोस्तों ही मैरिड फ्रांसिस लूसी, वो फ्रांसिस लूसी से दोस्तों 1851 में शादी करते हैं, इतना याद रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे दोस्तों आप नोट डाउन कीजिएगा। ड्यूरिंग हिज ऑक्सफोर्ड डेज, अब जब दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो रह रहे थे, ही बीकेम फ्रेंड विथ आर्थर ह्यू क्लॉ, तो उनके एक दोस्त बन जाते हैं जिनका नाम होता है आर्थर ह्यू क्लॉ। दोस्तों इन पे एक रचना लिखते हैं, एक इलेजी लिखते हैं दोस्तों। उस इलेजी का क्या नाम है जरूर कमेंट में बताइएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स इसी सेशन के अंत में पढ़ेंगे। इन 1840 1840 में ही मैट्रिकुलेटेड फ्रॉम बेलियॉल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, तो मैट्रिकुलेशन करते हैं दोस्तों 1840 में बेलियॉल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से। इन 1843 1843 में हिज पोएम क्रमवेल ओन द न्यूजीगेट प्राइज, तो दोस्तों एक प्राइज मिलता है 1843-43 में इनको, इनकी एक कविता होती है जिसका नाम है क्रमवेल। ही टॉट रग्बी कॉलेज फॉर अ शॉर्ट टाइम इन 1844, दोस्तों 1844 में वो रग्बी कॉलेज में कुछ दिनों के लिए टीचिंग भी करते हैं, याद रखिएगा। अब दोस्तों समय आता है 1849 की। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, इनकी कविता का जो पहला वॉल्यूम होता है वो पब्लिश होता है 1849 में। दोस्तों उसका नाम क्या है, द एस्ट्रेड रिवेलर, द एस्ट्रेड रिवेलर वाज पब्लिश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर समय आता है दोस्तों 1852, ही पब्लिश हिज सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स इपिडिकल्स ऑन एटना, ये दूसरा वॉल्यूम है दोस्तों, एंड अदर पोएम्स। इन 1857 1857 के समय में आर्नोल्ड बिकम प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड, तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड में वो प्रोफेसर बन जाते हैं 1857 में। दोस्तों इनके जो वर्क्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बार जान लेना बेहतर है। इन 1861 1861 में आर्थर ह्यू क्लॉ, अ पोएट एंड चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ आर्नोल्ड, दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड के एक बचपन के दोस्त और एक कवि जिनका नाम है आर्थर क्लॉ, उनकी मृत्यु हो जाती है, डाइड एट द एज ऑफ 42, तो 42 की उम्र में वो मर जाते हैं। आर्नोल्ड रोड थायरिसिस, आर्नोल्ड क्या लिखते हैं, एक इलेजी लिखते हैं दोस्तों जिसका नाम है थायरिसिस, अब पास्टोरल इलेजी। ये क्या होता है दोस्तों, एक पास्टोरल इलेजी होता है टू कमेमोरेट हिज डेथ, उनके मृत्यु को ट्रिब्यूट करने के लिए, कमोरेट करने के लिए वो लिखते हैं थायरिसिस। आर्नोल्ड वाज डाइड ऑफ हार्ट फेलियर, दोस्तों हार्ट फेलियर की वजह से मैथ्यू आर्नोल्ड की मृत्यु हो जाती है ऑन अप्रैल 15, 1888, 1888 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है, लाइफ
लीवर कोलमेन की मृत्यु होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर आप दोस्तों और सही कीजिएगा। अगला रचना है मेजर वर्क्स ऑफ आर्नोल्ड। दोस्तों अब हम जानेंगे इनके मेजर वर्क्स के बारे में। यहीं से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों शुरू होता है। पहले तो आप राइटर के बारे में जान जाइएगा कि उनका जन्म क्या कब है, उनकी कौन सी रचनाएं हैं। अब एक एक चीज को हम बारीकी से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले इनका आता है अ सोनेट ऑन शेक्सपियर। इट वॉज कंपोज इन 1844 एंड पब्लिश इन 1849। दोस्तों 1844 में इसकी रचना करते हैं और 1849 में इसका पब्लिकेशन होता है। दिस सोनेट इज रिगार्डेड एज अ ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर। इसको हम शेक्सपियर पे एक ट्रिब्यूट मानते हैं। सोनेट बिगिंस, ये जो आपका सोनेट्स है जो शुरू होता है, अदर एवाइडेड आवर क्वेश्चन, दूसरे तो हमारे प्रश्नों से बचते हैं, भाग निकलते हैं। दाउ आर फ्री, तुम तो आजाद हो। वी आस्क एंड आस्क, हम लोग पूछते हैं और पूछते हैं। दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर का, इस सोनेट का, इसको याद रखिएगा। अगली रचना है मेमोरियल वर्सेस। मेमोरियल वर्सेस, इट वॉज रिटन इमिडिएटली जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो पूछा जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के मृत्यु के बाद आर्नोल्ड की कौन सी रचना आती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा मेमोरियल। इन दिस पोएम आर्नोल्ड पेड ट्रिब्यूट टू वर्ड्सवर्थ, गोथे एंड लॉर्ड बायरन। इस एक ही रचना के माध्यम से जो आपके मैथ्यू आर्नोल्ड हैं वह वर्ड्सवर्थ को भी ट्रिब्यूट कर देते हैं, गोथे के भी, और लॉर्ड बायरन को भी ट्रिब्यूट करते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में वर्ड्सवर्थ हैज बीन कंपेयर्ड विद टायरेसियन। टायरेसियन के से वो दोस्तों कंपेयर करते हैं वर्ड्सवर्थ को। कौन करते हैं? तो मैथ्यू आर्नोल्ड करते हैं। इस कविता का एक लाइन याद रखिएगा, द इंड इज एवरीवेयर। इंड क्या है दोस्तों? हर जगह है। आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ, और यही तो सच्चाई है। टेक रिफ्यूज देयर, आप वहां पे अपना क्या लीजिए, स्थान लीजिए। दोस्तों यदि अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक शेयर अवश्य से कीजिएगा दोस्तों। इट इज एन इलेजी। अब बात हम करेंगे दोस्तों डोवर बीच की। तो डोवर बीच का पब्लिकेशन होता है दोस्तों 1867 में। याद रखिएगा यह एक इलेजी है, इन विच जिसमें द पोएट लेमेंट्स ओवर द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ कॉज बाय द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड ट्रेड इन द विक्टोरियन एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों आपका डोवर बीच। ये आपकी यूपी टीजीटी के सिलेबस में है। तो इसका पब्लिकेशन डेट, इसका जो थीम है दोस्तों, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों यह एक इलेजी है जिसमें कवि जो है लेमेंट्स करते हैं, विलाप करते हैं ओवर द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। जो धार्मिक हरास होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि विक्टोरियन एज में कविता का जो थीम होता है साइंटिफिकल रीजन पे आधारित होता है, धर्म का उसमें बहुत ही कम स्थान है। तो इस पे जो लॉस है, इस पे वो विलाप करते हैं, कॉज बाय द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड ट्रेड। कारण क्या है दोस्तों? विज्ञान और व्यापार का जो ग्रोथ है, इसके कारण रिलीजियस फेथ में हरास होती है। ही ट्राइज टू सीक कंसोलेशन, वो कंसोलेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं इन द कंस्टेंसी ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्रेम के माध्यम से। इन दिस पोएम, इस कविता में आर्नल्ड कंपेयर सी, सी की तुलना करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, समुद्र की तुलना करते हैं विथ रिलीजन, किससे करते हैं? धर्म से करते हैं। इसका दोस्तों ओपनिंग लाइन से याद रखिएगा, द सी इज काम टू नाइट। बस एक ही पॉइंट याद रखिएगा, द सी इज काम टू नाइट। दोस्तों आपके पास समय बहुत कम है, यदि आप पहले से नहीं पढ़े तो हर चीज तैयार नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल ही चीजों को देखिए जितना आप दोस्तों तैयार कर सकते। अगली रचना है इनकी दोस्तों टू मार्गू राइट। टू मार्गू राइट, दोस्तों प्रोनाउंसिएशन माइट बी हियर एंड देयर, सो प्लीज डोंट माइंड। इट इज अ लव लिरिक पोएम। दोस्तों ये जो आपका टू मार्गू राइट है, यह क्या है? एक लव लिरिक पोएम है और इंस्पायर्ड बाई हिज लव फॉर मार्गू राइट। और इनका जो प्रेम है मार्गू राइट के लिए, उसी से इंस्पायर्ड होकर इस पोएम को लिखते हैं। दिस पोएम इज कॉल्ड ऑन इलेजी ऑफ लव। याद रखिए इसे क्या कहा जाता है? ऑन इलेजी ऑफ लव। इंपॉर्टेंट लाइन से कि हाउ वेन अ थिंग इज मोर्टल लव, इसका लाइन याद रखिएगा। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि हाउ वेन अ थिंग इज मोर्टल लव किस कविता से लिया गया है। तो आपका जवाब होगा दोस्तों टू मार्गो राइट। दोस्तों अभी इस रचना का नाम आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए, आपको ये रचना याद हो जाएगा।
कुछ चीजों को दोस्तों आप बीच बीच में कमेंट भी कर दीजिए, उससे क्या होगा हम समझ पाएंगे कि आप वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। रग्बी चैपल अगली रचना है दोस्तों, रग्बी चैपल, ये दोनों ही रचना डोवर बीच और रग्बी चैपल यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। इट वॉज कम्पोज इन 1857, 1857 में दोस्तों इसकी रचना हुई थी एंड पब्लिश इन 1867, 1867 में पब्लिकेशन होता है। तो 1857 में रचना है और 1867 में इसका पब्लिकेशन होता है। तो 10 ईयर्स बाद ये पब्लिश होता है लिखने के बाद। इट एक्सप्रेसेस अ लॉफ्टी मोरल आइडियाज, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें क्या है आपको मोरल आइडियाज मिलेंगे। दोस्तों यदि आपको मालूम है तो जरूर बताइएगा कि रग्बी चैपल किसको डेडिकेट है। इट इज एन इलेजी, याद रखिए क्या है, एक इलेजी है ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर डॉक्टर थॉमस आर्नल्ड, अपने पिता के मृत्यु पे दोस्तों एक रचना करते हैं जिसका नाम है रग्बी चैपल, तो उन्हीं को डेडिकेटेड है। इसकी एक इंपॉर्टेंट लाइन से याद रखिएगा, कोल्डली सैडली डिसेंड्स द ऑटम इवनिंग। अगली रचना है दोस्तों आपका सोहराब एंड रुस्तम, दोस्तों इट वॉज पब्लिश इन 1853, 1853 में इसका प्रकाशन हुआ था। इट वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, जो आपकी सोहराब और रुस्तम पोएम है इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था और इसका पब्लिकेशन डेट क्या है 1853। इट वॉज अ नैरेटिव पोएम इन होमरिक ट्रीटमेंट, तो दोस्तों एक नैरेटिव पोएम है और इसको होमरिक ट्रीटमेंट में लिखा गया है। रुस्तम वॉज किल्ड बाय हिज सन सोहराब, तो सोहराब जो दोस्तों है वो रुस्तम का क्या होता है, लड़का होता है और इसको ये मार देता है। और यहाँ पे एक नाम आता है दोस्तों रस, रस को होता है रुस्तम के घोड़े का नाम, ठीक है दोस्तों। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सोहराब और रुस्तम को किस शैली में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में, और पब्लिकेशन डेट क्या है 1853। दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको अभी का अभी ये चैप्टर जो है दोस्तों, या ये जो रचना का नाम पब्लिकेशन याद हो जाएगा, इसको नो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। द स्कॉलर जिप्सी, इनके अगली पोएम है दोस्तों द स्कॉलर जिप्सी, इसका पब्लिकेशन डेट है 1853। द स्टोरी ऑफ अन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर, ऑक्सफोर्ड के एक विद्वान की कहानी है, इन सर्च ऑफ द ट्रूथ, सत्य की खोज की कहानी। द पोएम इज बेस्ड ऑन जोसेफ ग्लैनविलेज वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, तो वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग पे आधारित है और एक इसकी है जोसेफ ग्लैनविलेज, इसका जो फेमस लाइन है दोस्तों वो है आपका वन एम वन बिजनेस एंड वन डिजायर। दोस्तों वन एम वन बिजनेस एंड वन डिजायर, दोस्तों ये आपकी सफलता का राज भी हो सकता है। आने वाले एक मंथ तक आपका एक ही एम होना चाहिए, एक ही बिजनेस होना चाहिए और एक ही डिजायर होना चाहिए, बीपीएससी बीपीएससी बीपीएससी। दिस पोएम इज फुल ऑफ मेलनकोली एंड पैसिमिज्म, ये जो आपका स्कॉलर जिप्सी है ये क्या है, एक मेलनकोली पोएम है, इसका जो टोन है दोस्तों मेलनकोली है और पैसिमिज्म है, निराशावादी। दोस्तों इसके अलावा कुछ रचना का नाम है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, टाइम बहुत कम है, तो सिर्फ इनका नाम आप याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट रचना है उसको हम बता दिए हैं। और यहाँ पे एक कल्चर एंड एनार्की है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों। इनका एक रच इनकी एक रचना है फॉर सेकेंड मॉरमैन, क्या है दोस्तों फॉर सेकेंड मॉरमैन, उसके बाद है अ समर नाइट, इसके बाद है सॉरी दोस्तों इम्पेडिकल्स ऑन इटना, दोस्तों एक पोइटिक ड्रामा है तो इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पेडिकल्स ऑन इटना क्या एक पोइटिक ड्रामा है। कल्चर एंड एनार्की दोस्तों एक इनकी बहुत ही अच्छी रचना है क्रिटिसिज्म पे, तो इसको नोट डाउन, ये दो रचना दोस्तों आप जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों इस सेशन में इतना ही, उम्मीद करते हैं इस सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप हमारे वर्क को अप्रिसिएट कर सकते हैं, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।